So, hey guys, this is your client, you're watching Education Side. तो JOSA Counseling 2022 के लिए राउंड 2 के मॉक फिट एलोकेशन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है. एंड अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे दी है. वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपसे JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, आपका पासवर्ड पूछेगा, सिक्योरिटी पिन पूछेगा, वो आप एंटर कर देंगे तो आपके सामने आपका JOSA Counseling का मॉक फिट एलोकेशन राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये एकदम बेसिक प्रोसेस है. और आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव जो है वो ये है कि जिन बच्चों को राउंड 1 के मॉक सीट में सीट मिली थी और राउंड 2 के मॉक सीट में सीट नहीं मिली तो उनका क्या होगा, जिन बच्चों को 1 के अंदर भी सीट नहीं मिली, मॉक सीट 2 के अंदर भी सीट नहीं मिले उनका क्या होगा, एंड जिन्हें मॉक सीट के 2 में सीट मिल गई है मॉक सीट एलोकेशन में तो उनका कैसे आने वाला है आगे के मेन राउंड्स के अंदर सीट अलॉटमेंट. पहले केस की बात करते हैं, जिन्हें 1 के अंदर तो सीट मिली थी लेकिन मॉक सीट 2 के अंदर सीट नहीं मिली तो वो बच्चे एकदम मतलब परेशान ना हो. उनका सिंपल ऐसा हो सकता है कि उन्हें राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट ना आए JOSA Counseling में, लेकिन राउंड 2 के अंदर उन्हें कन्फर्म सीट अलॉटमेंट आ जाएगा. इस बात का ध्यान रखिएगा, जिन्हें सीट एलोकेशन 1 में सीट मिली लेकिन 2 में नहीं मिली तो उन्हें राउंड 1 जो मेन राउंड होंगे जो सके 1 से 6 तक चलने वाले हैं तो उसमें राउंड 1 में सीट नहीं मिल सकती, ठीक है, उसमें थोड़े चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन राउंड 2 के अंदर उन्हें सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा. और जिन बच्चों को मॉक सीट एलोकेशन 1 में भी सीट नहीं मिली, मॉक सीट एलोकेशन 2 में भी सीट नहीं मिली, वो बच्चे परेशान ना हो क्योंकि इन बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो वो परेशान ना हो. बेसिकली क्या होता है कि राउंड 1 में जब JOSA का सीट अलॉटमेंट आता है तो उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है तो वहां पे क्या है सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह जमा करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने होते हैं तो बहुत से बच्चे क्या है कि काउंसलिंग से क्विट कर जाते हैं, जिन्हें एडमिशन नहीं लेना होता या फिर डॉक्यूमेंट सही तरीके से वेरीफाई नहीं करवा पाते या सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा कर पाते या फिर पूरा प्रोसेस कुछ भी अगर मिस कर देते हैं तो उनकी सीट वहां से कैंसिल हो जाती है. तो इसके कारण क्या है कि राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाती है और सीट अलॉटमेंट आ जाता है थोड़े से कम रैंक वाले बच्चों को भी. इसके बाद राउंड 2 से राउंड 5 तक लगभग कट ऑफ थोड़ा थोड़ा ही वेरी करता है, फिर राउंड 6 में फिर एक बार कट ऑफ में ड्रॉप आता है क्योंकि राउंड 5 के अंदर जो विड्रॉ करने का टाइम है वो खत्म हो जाता है तो वहां पे बहुत से बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं राउंड 5 के लास्ट में. इसके बाद राउंड 6 में फिर कट ऑफ ड्रॉप होता है. तो जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर कोई सीट नहीं मिली मॉक में, राउंड 2 के अंदर मॉक में सीट नहीं मिली, वो बच्चे परेशान ना हो, उन्हें JOSA के अंदर या तो 4th राउंड में या तो 5th राउंड में या तो 6th राउंड में अगर आपकी रैंक सही है, आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग की है तो आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा. अब बात करते हैं कि जिन्हें मॉक सीट के 1 में भी सीट मिला, मॉक सीट 2 में भी सीट मिला तो वो एकदम सेफ जोन में है. उनका जो रिजल्ट है क्या होता है कि मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 का जो रिजल्ट होता है वो 90% केस में सेम ही होता है राउंड 1 के रिजल्ट के. तो जो आपको मॉक के अंदर मिला है बहुत हाई पॉसिबिलिटी है राउंड 2 के अंदर, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको वही सीट जो है वो मेन राउंड के अंदर जब काउंसलिंग होगी तो राउंड 1 के अंदर अलॉट हो जाएगी. इसके बाद आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं. मॉक सीट जब राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है तो आपका चॉइस फिलिंग लॉक होना भी स्टार्ट हो जाएगा. तो जब लॉक करिएगा चॉइस फिलिंग तो एक बार प्रॉपर तरीके से पूरा एनालाइज कर लीजिएगा, सब कुछ चेक कर लीजिएगा, इसके बाद ही उसे लॉक करिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा. और जिन्हें JOSA के अंदर सीट नहीं मिल पा रही, क्या है कि JOSA में कट ऑफ थोड़ा सा बहुत हाई रहता है, कॉम्पिटिशन हाई होता है, तो वो परेशान ना हो. JOSA के पास CSEP काउंसलिंग भी है, उसमें काफ़ी लो रैंक में भी एडमिशन हो जाते हैं, वो स्पॉट काउंसलिंग यानी स्पेशल राउंड होता है. तो अगर मॉक में सीट नहीं मिली तो एकदम ऐसा उन्हें परेशान हो जाना है कि अरे अरे क्या हो गया, सीट नहीं मिलेगी, ये है वो है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सबर रखो, सीट मिल जाएगी. आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ढंग से चॉइस फिलिंग की होगी तो आपका सीट कहीं नहीं गया, वो आपका कन्फर्म है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है. चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसके लिए प्रॉपर मैंने लाइव वीडियो वगैरह बना के सब कुछ अपने चैनल पर बताया, तो जो बच्चे नहीं हुए वो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें. और मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 का रिजल्ट नहीं चेक किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं. एंड अगर आपको हमारे काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल की आवश्यकता है, आपकी रैंक JEE मेन के अंदर लो आ रही है या फिर आपको जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल की डिटेल्स है, वहां पे जाकर आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा वो दिलाएंगे. तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां पे जाकर आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट प्लान्स में इनरोल कर सकते हैं.
सकते हैं। एंड मॉक सीट एलोकेशन 2 का रिजल्ट आ चुका है, अब जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो पूरा प्रोसेस मैं फिर से एक बार लाइव करके बताऊंगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा राउंड 1 के लिए, ठीक है। तो जो बच्चे न्यू है वो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कर दो यार, जो देख के सिर्फ छोड़ देते हो वो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ठीक है ना, जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक मत करो, कोई भी अपडेट मिस ना कर सको, ठीक है। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद।